एक सपना देखा था, उसे सच करने आया हूँ। एक अनजान गली में बस एक नाम लेके आया हूँ। इस सफर की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। वो दिन तो याद ही होगा, सोने चेहरों के साथ जो शुरू की थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था, 31 अगस्त 2018। खुश भी थे, सहमे हुए थे। नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। नए सपने जो कॉलेज के सजा के आए थे, जो सपना नीट देके पूरे करने आए थे, सब नया नया सा था, बिल्कुल वैसा जैसे सब कहते थे। वो पल याद है क्या जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे? एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है। टीचर्स ने भी आके डरा दिया था, डेड बॉडी से मुलाकात करवा दिया था। इन हाथों ने पहली बार स्कैल्पल जो पकड़ा था। क्लास में कम, अब बाहर ज्यादा मन लगता था। कैंटीन और चाय पे चर्चे, रोज MBBS की किताब में पन्ने जोड़ रहा था। कभी क्लास देर से पहुंचते थे तो कभी नींद पूरी कर लेते थे। कोई यार अपना प्रॉक्सी लगा देता था अगर क्लास मिस हो जाते थे। वो 10 मिनट के वॉशरूम वाले ब्रेक, वो बैक बेंच पे सोने की रेस, वो सैटरडे वाले सरप्राइज टेस्ट, वो एग्जाम के पहले रात वाली पढ़ाई, फिर माइक्रो जेरोक्स वाली छुपन छुपाई। एक साथ कई सारे चीज़ों को मैनेज करना सीखा। जिंदगी का पहला सुट्टा भी यारों यहीं आके खींचा। चलती क्लास के बीच ही मूवी का प्लान बन जाता था। कोई बोरिंग लेक्चर हो तो मास बंक का ख्याल आता था। वो लेट नाइट वाले बाइक ट्रिप्स, वो रूम वाली पार्टीज, सबसे आज़ाद थे। मज़ा आता था, जी करिए आज़ादी। साल भर की पढ़ाई, फिर वो MBAs के डेट्स के लिए लड़ाई, सिलेबस पूछना और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आगे लटकना, उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो अपने स्टोरेज से पेपर भरना। वो स्कूल को टॉप करने वाला भूत उतर चुका था, बस पास होना बनता था। फिर टॉपर वाले दोस्त से पार्टी जो लेना था, स्लाइड्स की फोटो खींचते खींचते पता नहीं कब सिलेबस खत्म हो जाता था और अपनी गैलरी की तरह एक यादों का संदूक भरता जा रहा था। वो तुम मुझे खून दो वाले फिजियो प्रैक्टिकल कब क्लिनिकल पोस्टिंग में बदल गई, धीरे धीरे भनक ही ना लगी, अपनी आदत इतनी ज़्यादा बदल गई, नोट्स बनाने की जगह मांगने की आदत लग गई, क्या उसका क्या मेरा, सबके आंसर एक जैसे ही तो होने थे, पास कराने के लिए हमारे टीचर जो थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बदमाशियाँ ही करते थे, टीचर्स की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे, तभी तो वाइवा के टाइम मौन व्रत रखते थे। 75% अटेंडेंस सच में बहुत तंग करती थी, इस नियम ने जिंदगी एकदम झंड कर रखी थी। पता नहीं हंसी मजाक में कब 4 साल की पढ़ाई खत्म हो गई, कब आखिरी साल आ गया, वक्त कितना जल्दी निकल गया। अभी ही यहाँ आए थे और अभी फाइनल वीक आ गया। हिस्ट्री लेते लेते कब इंटर्नशिप के दिन शुरू हो गए, ड्यूटीज़ के दौड़ में सब कुछ छूटने लग गए। लग रहा था अब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आने लगा है, बेफिक्र जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने से जाने लगा है। हाँ, खुशी जरूर थी, पहली पहली बार कमाई जो पॉकेट में आ रही थी, रोज थक्के भी सुकून बढ़ाता था, जो सपना देखा था उन्हें जो जी रहा था। दिल थोड़ा भारी इस सोच से ही हो जाता था, यहाँ से लौट जाने का मन नहीं था, कुछ खो रहा था कुछ मिल रहा था। पता नहीं क्यों कॉलेज के वो दिन फिर से जीने का मन कर रहा था। अभी तो ये कॉलेज अपना सा लगा था, अभी इसे छोड़ के जाना पड़ रहा था। न जाने कितने सवाल आए होंगे, इन कमीने दोस्तों से पता नहीं फिर कब मिलना होगा, फिर ऐसा मोमेंट दोबारा नहीं बन पाएगा। वो यूजी वाले दिन बस तस्वीरों में रह जाएगा, कॉलेज अपना है से अपना था हो जाएगा। हाँ, जब भी कभी इस कॉलेज से गुजरेंगे सारी यादें ताज़े हो जाएंगी। अनजान बनकर आए थे, यार लेके जाएंगे, जब भी पन्ने पलट कर देखेंगे, मज़ेदार था यार ये कॉलेज का सफ़र कहेंगे। यादों के साथ सबके सफ़र बदल जाएंगे। आज एक मंजिल पे आ खड़ा हूँ, वो सफ़र गुनगुना रहा हूँ। एक सपना देखा था, उसे सच में जी लिया हूँ।
बस एक नाम लेके आया था, एक पहचान लेके जा रहा हूँ, एक पहचान लेके जा रहा हूँ। रहे या ना।